हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए फिर से एक लेटेस्ट जॉब वैकेंसी लेके आ गया हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस बार यहाँ पे आप लोगों के लिए एयरपोर्ट में बम्पर भर्ती की वीडियो लेके आ गया हूँ, जॉब लेके आ गया हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ कि अगर आप एयरपोर्ट में काम करना चाहते हैं, एयरलाइंस में काम करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पे बम्पर मौका है, बहुत ही अच्छा चांस है। यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूँ दोस्तों, एयरपोर्ट में आ गई है सीधी भर्ती और यहाँ पे काफ़ी तादाद में भर्ती निकाली गई है। 500 प्लस यहाँ पे सीटें आई हैं, भर्ती आई हैं और यहाँ पे दोस्तों सैलरी भी आपको काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा। आप देख सकते हो सैलरी 25,000 आपके पोस्ट के हिसाब से आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगा और योग्यता 12वीं पास मांगा गया है। अगर आप 12वीं पास है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, या फिर अगर आपके घर में आपके परिवार में कोई 12th क्लास पास है तो भी आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों महिला पुरुष सभी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जॉब कर सकती है। ऑल इंडिया के लिए जॉब होने वाला है, यानी कि दोस्तों सभी स्टेट में होने वाला है, चाहे आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, राजस्थान से हैं या कोई भी स्टेट से हैं तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आपको जॉब का डिटेल बताते हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है और एज लिमिट क्या रखा गया है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। और साथ साथ में दोस्तों मैं आप सभी को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देने वाला हूं। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, यह है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप यहां पे देख सकते हैं 10+2 यहां पे मांगा गया है, यानी कि 12वीं पास मांगा गया है। सैलरी आप देख सकते हो यहां पे एक्सपेक्टेड सैलरी जो कि यहां पे 15,000 से 25,000 आपको सैलरी मिलेगा। एज लिमिट 18 से 30 वर्ष तक का रखा गया है और यहां पे सीट्स की बात करें यानी कि पोस्ट की, तो यहां पे दोस्तों टोटल 590 सीटों पे भर्ती आई है, तो आपका ज्यादा से ज्यादा चांस बनता है इस जॉब में जाने का, भर्ती में सेलेक्ट होने का। तो फटाफट दोस्तों इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ऐसे ही जॉब वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों एग्जामिन्स का यहाँ पे दिया गया है लोकेशन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली हुआ, जयपुर हुआ, गुवाहाटी हुआ, या फिर भोपाल हुआ, लखनऊ हुआ, कोची हुआ, कोलकाता हुआ, या फिर देहरादून हुआ। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोकेशन पे आपका एग्जाम वगैरह होगा, तो दिक्कत नहीं है दोस्तों, ऑल इंडिया के लिए जॉब है। चलिए दोस्तों और भी आपको जॉब का डिटेल बताते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों आईजीआई एवेंशंस दिल्ली रिक्रूटमेंट आ गया है। ऑर्गेनाइजेशंस तो यहाँ पे आईजीआई एवेंशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड होने वाला है और यहाँ पे पोस्ट नेम तो यहाँ पे दोस्तों कस्टमर सर्विस एजेंट की पोस्ट पे आपका जॉब लगेगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 590 सीट्स पे भर्ती आई है, तो ज्यादा से ज्यादा आपका चांस बनता है जॉब में जाने के लिए। एंड यहाँ पे अप्लाई मोड की बात करें यानी कि आवेदन कैसे होगा, तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन होगा, यानी कि फॉर्म ऑनलाइन फिल किया जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों जॉब लोकेशन तो यहाँ पे दोस्तों ऑल ओवर इंडिया, जी हाँ, इंडिया में कहीं पे भी आपका जॉब लग सकता है, तो दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे बात करें कौन कौन जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए जो लोग भी इंडिया से हैं, जो लोग भी इंडिया में रहते हैं, कोई भी स्टेट से रहते हो, तो भी वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, कोई भी स्टेट हो, दिक्कत नहीं, आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की यानी कि चयन प्रक्रिया की, तो यहाँ पे दोस्तों आपका रिटन एग्जाम होगा, लिखित एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। जी हाँ, यहाँ पे जो चयन प्रक्रिया है यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस, वो यहाँ पे दोस्तों लिखित एग्जाम होगा, इसके साथ साथ आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा, फिर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों सैलरी आपको 15,000 से 25,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिल सकता है, तो सैलरी भी काफी अच्छा मिलेगा भाई। और यहाँ पे बात करें एज लिमिट की, तो यहाँ पे दोस्तों एज लिमिट मिनिमम 18+ रखा गया है, 18 रखा गया है और मैक्सिमम 30 ईयर्स रखा गया है, यानी कि दोस्तों आपकी उम्र कम से कम 18 होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 30 ईयर्स के नीचे होनी चाहिए, 30 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, तो यहाँ पे एज लिमिट ऐसा कुछ रखा गया है। और यहाँ पे दोस्तों बात करें एप्लीकेशन फीस, यानी कि अगर हम इस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जो कि एयरपोर्ट वैकेंसी आई है, एयरपोर्ट में भर्ती आई है, तो इसके लिए अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या कोई पेमेंट लगेगा, चार्ज लगेगा? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा बहुत पेमेंट लगेगा, एप्लीकेशन फीस लगेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों फॉर ऑल कैंडिडेट। जी हाँ, ऑल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे इतना चार्ज लगेगा, 350 रुपए, यानी कि 350 रुपए सभी कैंडिडेट के लिए लगेगा। आप किसी भी पेमेंट मेथड से कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कोई भी कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो। 350 रुपए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस लगेगा। और यहाँ पे दोस्तों बात करें क्वालिफिकेशन की, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की, तो यहाँ पे दोस्तों 10+2 मिनिमम मांगा गया है, या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि यहाँ पे दोस्तों आईजीआई एवेंशंस में जॉब आया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इम्पोर्टेंट डेट, यानी कि आवेदन कब से स्टार्ट हुआ है और आवेदन कब तक होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 29 जनवरी से अप्लाई ऑनलाइन हो रहा है, आवेदन हो रहा है, और लास्ट डेट फॉर अप्लाई यहाँ पे देख सकते हैं जो कि यहाँ पे 30 सितंबर है। जी हाँ दोस्तों, 30 सितंबर से पहले ही आपको आवेदन कर लेना है, अप्लाई कर लेना है, अगर आप दोस्तों एयरलाइन में जॉब करना चाहते हैं, एयरपोर्ट पर जॉब करना चाहते हैं, तो फटाफट दोस्तों आप 30 सितंबर के पहले ही अप्लाई कर लेना। अब रही बात कैसे अप्लाई करना है,
तो यार ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस PDF फाइल का लिंक किस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा, यहाँ पे आके आप जॉब का डिटेल पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाता है। एंड रही बात कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाता है जिस पे आप जाके बिल्कुल आसानी से जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों इसके साथ साथ आप इस प्रोफाइल को यानी कि इस PDF फाइल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें जॉब का डिटेल और भी आपको देखने को मिल जाता है कि क्या क्या यहाँ पे सिलेबस लगेगा और लोकेशन क्या क्या होगा, सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। हालांकि मैंने सारा कुछ बता दिया, फिर भी आप इसे एक बार रीड कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप जॉब करना चाहते हो एयरलाइन में एयरपोर्ट पे, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आप 12वीं पास हो, जॉब करना चाहते हो, अच्छी खासी सैलरी लेना चाहते हो, तो फटाफट अप्लाई कर दो यार। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का यह वैकेंसी पसंद आया होगा, जो वैकेंसी पसंद आया होगा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड अब हम मिलेंगे एक नई जॉब के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, धन्यवाद।